तो यहाँ पर ना सभी फ्री है, खाना खाने के लिए आ चुके हैं। इधर रुला। सब फ्री का खाना खाने के लिए। तो ये है मेरा घर, इसी घर में मेरी माताजी और पिताजी रहते हैं, और सामने है पपीता जिसमें कम से कम 1 इंच से कम नहीं होगा फड़ा हुआ। 13 मंथ के बाद में आया हूँ ऊपर, और यहाँ से व्यू देखें हमारा गांव का, काफी प्यारा है ना। मटर कैसे देते थे? 40। तो हे गाइस, तो कैसे आप लोग, जैसे भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी अपने कामों में व्यस्त है। फिलहाल सुबह के बज चुकी है 8, और ईस्ट में अभी करण आ चुका है क्योंकि मुर्गियों के लिए वैक्सीन लेने गया था, क्योंकि आज 13 दिन हो गया है। और आज ना जैसे दरवाज़ा खोला वैसे अंदर गया ना, तो क्या बना कि एक मुर्गी ना मर गई थी, और कल भी मरी थी, कल नहीं परसों मरी थी दो, मतलब कि आज 13 दिन हो गया मुर्गियों का, और अभी तक समथिंग 11 मतलब 11 चूजा ना मर चुकी है। इधर आ चुका है वैक्सीन जो आज 12 दिन के बाद लगता है ना, पहला लगेगा 6 दिन पर, उसके बाद लगेगा दूसरा फिर वैक्सीन 12 दिन पर, मतलब आज 13 दिन हो गया, 1 दिन बेसी हो गया, उसके बाद पता नहीं कितना दिन पर लगेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये फर्स्ट टाइम पोल्ट्री फार्म में अभी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कि तो अभी पानी भरेगा इसमें डालेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको उतना ही डालना है कि जितना सारा ना जितने भी चूजा है ना सभी पानी पी जाए, क्योंकि अगर सभी को एक घोट पीना जरूरी है तभी इन लोगों को कोई बीमारी नहीं आएगा। फिलहाल अभी पानी भरेगा, उसके बाद फिर पिलाएंगे। लो पकड़ो पकड़ो, अरे पूरा ना ये बर्फ़ में, पूरा बर्फ़ में, अगर ठंडा गर्म हो जाएगा ना तो जो इसका पावर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसको फ्रिज में रखा जाता है। अरे पूरा भर दे, थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा, एक मग मतलब एक लीटर पानी में सभी को पी आना है, मतलब कि सर जितना भी चूजा है ना सभी को एक घोट पीना अनिवार्य है। फिलहाल सुबह का मौसम कुछ इस तरह है ना, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। अभी तक मेरे मामा जी नहीं आए हैं, चाकू से काटना है, तो अभी से चाकू से काटिंग करना है। चाकू किधर है डार्लिंग, माय डार्लिंग? तो यह भाई खुल चुका है, इसमें डालना है, जम चुका है, इसे निकालते किसी तरह। मैं वैक्सीन डाल दिया हूँ, बस ये घुल गया है थोड़ा सा बच्चा हुआ अंदर, वो अपने आप घुल जाएगा। और मैं घुल गया तो पूरा घुल चुका है। और आज ना आज मंगलवार है, तो आज मेरा फास्टिंग है, तो आज सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद आज ना अपनी माता जी से मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि जिस दिन बाहर यात्रा से आया था ना उसी दिन बस थोड़ा सा माँ के दर्शन किया था, उसके बाद फिर नहीं दर्शन कर पाए क्योंकि पोल्ट्री फार्म में बाज गया। लेकिन आज जाएंगे 1 घंटे के लिए। और मेरी माता जी कहाँ रहती है, वो तो पूरा जंगल, बिहार जंगल में रहती है वहाँ पर, और वहाँ भी काफ़ी प्यारा गाँव है। वैक्सीन पूरा पड़ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इन ख़राब रास्तों से मैं कहाँ जा रहा हूँ स्कूटी से, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी माँ और पिताजी से मिलने के लिए, क्योंकि वो अभी जंगल में रहते हैं ना, खेती बाड़ी वहीं होता है ना, इसी चलते 1.5 घंटा राइड करने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने माता पिता जी के पास। और पता नहीं उन लोग घर में हैं या फिर काम करने के लिए गए हैं, और काफ़ी दिनों के बाद आया ना। और इधर ना पूरा सरसों का फूल ना है ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना देखने के लिए। और यहाँ का गाँव देखें, बस यहाँ पर बस 12 घर हैं, और आस पास ना पूरा पहाड़ है, और बीच में ये गाँव बसा हुआ है, और इस गाँव का नाम है मरमगड्ढा यहाँ बोलते हैं इस गांव का। और ये है मेरा घर, कहीं पर मैं जा रहा हूँ। इधर सभी आदिवासी का घर है, सभी आदिवासी रहते हैं। और पूरा ना एक प्रॉपर मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा, वीडियो, हर घर जाऊँगा और यहाँ कल्चर दिखाने का कोशिश करूँगा, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं, खाना कहाँ बनाते हैं, और क्या क्या चीज़ उपयोग करते हैं, और काफ़ी चीज़ यूनिक देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी चलते हैं अपनी माता पिता जी के पास। और ये मेरा खेत है, इधर है बूट जिसे चना बोलते हैं, और ये सरसों भी मेरा है, ये सरसों भी यहाँ से पूरा आगे तक मेरा है, और ये भी सरसों मेरा है आगे तक। ये आम लगाया गया ना, ये भी मेरा ही है। और ये है मेरा घर, ये कोड़ी नीचे है, ये प्याज भी गाछी मेरा किया हुआ है। ओहो, और ये देखो पपीता घर के बाहर है ना, बड़ा फर चुके हैं। अच्छा, मेरे माता पिता जी देखिए क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं सामने, अभी तक हम लोग हमको देख ही नहीं है माँ पिताजी। अच्छा, हमको लगा घोंसला है, घोंसला नहीं है। ये मटर ना फूल आ चुकी है, देहाती मटर है ये, देसी मटर। कहाँ तोड़ लें,
से पागल है ना। अच्छा ना, ये अनार का पेड़ मैं वीडियो बनाए थे, ये पपीता, पिताजी मेरे फादर, माता जी खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, खुश रहो, खुश। अच्छा, अरे मेरा है सरसों पूरा आगे तक बेचने रहा खेवी तो ये खाली वो बड़का तो खाए पड़ता, थोड़ी बिकता बोला। तो अभी चलते हैं घर और या तो ये है मेरा घर, इसी घर में मेरी माता जी पिताजी रहते हैं, और सामने है पपीता जिसमें कम से कम 1 इंच से कम नहीं होगा फड़ा हुआ, और सामने चपाकल है, और यहाँ पर मोटर भी है, यहाँ पर लाइन आती है ना बिजली, और सामने है सीम, और सीम भी फट चुकी है बहुत सारा। ये है मेरा घर, और ये है मशीन जो हर जोतने के लिए, इधर टमाटर का, और ये है आदि, यहाँ पपीता भी है, ये है वॉशरूम टॉयलेट, और ये है मेरा घर। चलते हैं गाइस ऊपर, ये खाना बनाने किचन रूम सामने। ओहो, तो 13 मंथ के बाद में आया हूँ ऊपर, तो अभी मेरी माता जी जा रही है उधर आलू कोड़ने के लिए, है ना, और ये सामने आलू बहुत सारा, तो अभी हम भी जाएंगे सामने। इधर गेहूँ घाट रखी है, और यहाँ पर है तुलसी जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पौधा, तुलसी माता जी यहाँ पूजा पाठ करती माता जी। ये है 200 सूर्य प्लेट यहाँ पर रखा गया है, कभी कभी ना जब बारिश होती है ना तो इधर लेट नहीं आती, इसी वजह सूर्य प्लेट हर घर मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से व्यू देखें हमारा गाँव का, काफ़ी प्यारा है ना। तो ये है हमारा विलेज, ये है मटर जिसमें अभी ना फूल आई है, ऐसे बोलते हैं अर्किलवा मटर, बड़ा वाला मटर, अब पता नहीं इसका रेट का भी क्या है पता नहीं। और इधर है इसे क्या बोलते हैं, कहाँ पता है इसको, मैं नाम भूल गया इसका। और ये है फरस बिन जो भी फूल आया है इसमें, से यहाँ पर आलू, और सामने है कोहड़ा, इसे हम लोग बोलते हैं कोहड़ा, जो बड़ा बड़ा फरा हुआ इधर, इधर भी है, और एक दो पीस इधर भी है, एक दो पीस ये है बड़ा वाला, बड़ा वाला फरा हुआ है ना। यहाँ पर हर चीज़ खेती हो जाता है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, और यहीं से सब्जी आता है हमारे जो यहाँ पर रुकते हैं ना वहीं पर, और वो है कुरामे पहाड़ जो वो साइड है वो गाँव। ये अथी से आ रहा है मेरे बोलेरो से आओ है बोलावा पुलिस के साथ, पुलिस वाले ना आओ। हाँ, तो अभी आ चुका हूँ शकरकंद कोड़ने के लिए, और सामने है शकरकंद, इसे कोड़ेंगे, और सामने है उर्द, तो यहाँ से ना यहाँ से कोड़े वहाँ तक तो इतना निकला है, 1 kg होगा, बहुत कम बैठा शकरकंद। तो ये है किचन रूम, यहीं पर खाना बनता है, और ये है मेरा घर, होम टूर करा रहता हूँ है ना। ये है पूजा घर, यहाँ पर माँ पूजा करती है, ये पेंटिंग नहीं हुआ है अभी पर, और यहाँ पर खाना बनता है, स्पेशल भेज यहाँ पर बनता है। और ये है हॉल्ड है, सोने वाला रूम है कुछ इस तरह की, तो फैन है ऊपर, ये पेंटिंग होगा लेकिन अभी नहीं होगा, देखते हैं अब ठंडा ख़त्म होगा उसके बाद पेंटिंग करवा देंगे यहाँ पर। तो 1 घंटा के बाद अभी मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ, इधर सब्जी बांध दिया हूँ टंकी में दोनों करके, और मेरा गांव मेरा विलेज कैसा लगा, जो यहाँ का आदिवासी है ना इस कुछ इसी तरह जीवन यापन करते लकड़ियाँ बेच कर। और आज से कुछ साल पहले ना मेरे पापा भी लकड़ी बेचा करते थे, और अभी भी बेचते हैं, कभी कभी बेचते हैं लकड़ी। और यहाँ का जो आदिवासी है ना, इधर जो मंगलवार और शनिवार का बाज़ार लगता है ना पथरगढ़ा बाज़ार, तो वहाँ पर सभी लकड़ी बेचते हैं और बाज़ार करके आते हैं। और हमारे जो गांव है ना पथरगढ़ा प्रखंड का सबसे बड़ा पहाड़ है ये है कुरामे पहाड़, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का, और कुछ इस तरह विलेज है, प्योर आदिवासी। इधर तो जितना भी घर मिलेगा ना सभी आदिवासी का घर मिलेगा, सभी आदिवासी घर है। और ये संस्थान को बोलते हैं इस विलेज का कुरामे बोलते हैं, और ये है कुरामे स्कूल, और ये है मेन चौक है यहाँ का। और ये जो घर है ना धसा हुआ,
ये सब हाथियों ने आतंक मचाए थे, काफ़ी घर ना धहा चुके थे हाथियों ने, जिसमें ये घर ये भी है। तो नहा धोकर हो चुका हूँ रेडी और शाम के बज चुकी है 3 और आज है मंगलवार, तो आज जाएंगे मार्केट क्योंकि सप्ताह में 2 मार्केट लगता है, मंगलवार को और शनिवार को। तो आज मंगलवार है, आज मेरा फाइटिंग भी है, आज मेरा पूजा भी है, तो पूजा भी करेंगे और फाइटिंग तो है ही। और अभी मार्केट अकेला नहीं जाएंगे क्योंकि अकेला जाएंगे तो गैस सिलेंडर लेके जाएंगे, क्योंकि नया गैस सिलेंडर लेके आना है तभी तो खाना बना पाएंगे ना। तो फिलहाल अभी जाएंगे मार्केट, उससे पहले एक फ्रेंड है उसी के साथ जाएंगे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, क्रिकेट खेलने गया है ऐसे बोल रहा, क्रिकेट खेलने गए थे लेकिन वो सुबह ही गया था, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ है। अभी कॉल करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। सोच रहे होंगे कि बाल मैं क्यों नहीं कटा रहा हूँ, क्योंकि ना इसको अभी कुछ काम है, कुछ वीडियो शूट करना है, इसी चलते एक रोल है मेरा डाकू का, तो वही निभाना है, इसी चलते मैं बाल बढ़ा हुआ है। और जिम बस 2 दिन के बाद मैं जिम स्टार्ट करने वाला हूँ, और बॉडी थोड़ा डोला वोला बनाएंगे और थोड़ा सा मोटा होंगे ना, अभी बहुत पतला हो गया हूँ। सभी लोग बोल रहे हैं कि पतला हो गया, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मैन हूँ भाई। तो गाइस अभी आ चुके हैं मार्केट हम गणपत, और अभी सब्जी लेंगे इधर। भैया सिमलवा बचा हाफ के जी दे दे, शिमला और प्याज कैसे, प्याज भैया हाँ 1 kg प्याज दे, मटर कैसे दे दे 40, झोला कुछ ना कम मटर। तो हर दिन की तरह ना आज भी काफ़ी भीड़ है मार्केट में, और देखते हैं अभी 2 चिली आया हूँ अभी, और देखते हैं आसपास घूमकर और कुछ मिलेगा तो ले लेंगे सब्जी। तो मार्केट से आ चुके हैं और अभी आ चुके हैं मंदिर, क्योंकि आज मंगलवार था ना, इसी चलते तो हर मंगलवार को आप सभी को दर्शन करवाते रहेंगे माँ भगवती माता की। तो आप दर्शन करिए, ये रहा भव्य मंदिर, ये रहा अज्ञ मंदिर, और उधर हैं भगवान भोलेनाथ जी विराजमान, इधर हैं भैरवनाथ जी विराजमान। तो चलते हैं आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं रूम। ऐसे भी मैं रात को आया करता था, लेकिन मेरे पास ना दिया नहीं है छोटा वाला, इसी चलते मैं दिन में ही आता हूँ और दर्शन करके चले जाता हूँ। हजारीबाग जाने के लिए मौका भी नहीं मिल रहा है इसी चलते, लेकिन अगर हजारीबाग जाएंगे दीपक लेके आएंगे और फिर शाम को आएंगे दीपक जलाने के लिए। तब तक लिए आप माँ भगवती के दर्शन कर लीजिए। जय माता रानी, ये रहा माता जी हमारी, हमारी नहीं हम सभी की। तो इधर है भोलेनाथ जी, और ये मंदिर ना फर्स्ट फ्लोर पर है और ग्राउंड फ्लोर पर भगवान बजरंग बली जी विराजमान है। अभी मैं ऊपर से जा रहा हूँ नीचे और दर्शन कर लिए, और यहाँ से व्यू कुछ देखें इस तरह है, पूरा जंगल है ना, ये जंगल है। और यहाँ पर ना एक पुराना कुआं है, वो तो नीचे है, लेकिन फिर कभी आएंगे ना तो घुमा देंगे, दर्शन करवा देंगे, घुमा देंगे नहीं दर्शन करवा देंगे, बहुत पवित्र कुआं है। ये रहे बजरंग बली जी, दर्शन कर लीजिए। और ये यहाँ पर है विराजमान तुलसी माता, लेकिन क्या है ना कि तुलसी माता जो यहाँ पर रहते हैं ना रोकते तो लगाते हैं तो हैं, लेकिन घर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं ना तो उसमें दूध डाल देते हैं, तो कोई भी वृक्ष पौधा के अगर नीचे जड़ में दूध जाएगा ना तो मर जाती है, ज़्यादा पानी भी जाएगा ना तो मर जाती है। इसी तरह जितने भी श्रद्धालु हैं ना आसानी से विनती करता हूँ कि अगर इस यहाँ पर अगर तुलसी अगर फिर से रोपा जाएगा तो आप ना तुलसी के नीचे पानी रखेंगे कि तुलसी के जड़ के नीचे पानी ना जाओ ज़्यादा, नहीं तो फिर मर जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी मंदिर से नीचे आ चुके हैं, और ये आम के पेड़ है ना, आज से 5-6 साल पहले ना बोला करते थे कि इस पेड़ के नीचे मत आना, अमित बाबू जाए हो, इस आम के पेड़ के नीचे मत आना रात में, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ मानते थे कि यहाँ पर डायन किचन रहती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। अभी धान इधर ना कटिंग हो रही है, पूरा कटिंग हो जाएगी, मतलब 15 से 20 दिन है ना पूरा कटिंग हो जाएगी पूरा। और रागोरामे पहाड़, और उसी के पीछे मैं गया था अपना गांव जहाँ पर मम्मी पापा रहते हैं। तो अभी ना घर आ चुका हूँ, बजरी दुकान इधर ले रहा हूँ चूड़ा, कैसे किलो भैया 40 गरम मसाला, गरम मसाला सब्जी मसाला। तो शाम क्या बज चुकी है 4, इसलिए आ चुका हूँ अपने पोल्ट्री फार्म के पास, और अभी गणपत है लकड़ी फाड़ रहा है, और ये है यहाँ के क्या बोल सकते हैं इसे, काच नाम हो प्रमोद यादव, प्रमोद यादव, अगर दूध लेना है तो इनसे संपर्क करें,
इनका घर सामने है, तो अभी वेट करते हैं, बस लकड़ी फाड़ेगा उसके बाद फिर आग जलाना है, क्योंकि ठंडी के मौसम आ चुके हैं तो मुर्गियों को बचाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर सीधे स्वर्गवास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रोटी कल मामा जी, बड़े मामा जी लेके आए थे, लेकिन कल नहीं खा पाए थे, तो इस टाइम अभी खा रहे हैं। गणपत भी खा रहा है, इधर हम भी खा रहे थे। तो रात की बज चुकी है 6:30, और इस टाइम अभी खाना खा रहा हूँ। रोटी बनाया है शाम को, और आलू का सब्जी, इसमें मटर डाला गया है। शाम को रोटी खाते हैं, सुबह और दोपहर को चावल खाते हैं हमारे यहाँ। अभी खा रहा हूँ जिम जहाँ है ना, उसी के अंदर बैठकर लेट जलाकर। तो अभी खाना वाना खाकर आ चुके हैं पोल्ट्री फार्म, और आज करण नहीं है, तो करण के जगह गणपत है। अभी तो पानी का डब्बा उठा रहा है, और उसके बाद फिर हम बर्तन धोएंगे, उसके बाद फिर ये है से दाना डालेगा इसमें। ओह एक बार देख रहे, करण गया है, हजारीबाग गया है, तो अभी एक दो दिन के बाद आएगा, तो एक दिन ये मेरे साथ रहेगा। अब पूरा भर चुके ना, तो कल हम ना वो पर्दा खोल देंगे, क्योंकि इन लोग का थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा हो रही ना, इसी चलते हैं।